गांव शाहपुर में 1932 से चल रहे लड़कियों के माध्यमिक स्कूल को बंद करने से सरकारी निर्णय के विरुद्ध गांव के निवासी इकट्ठा हुए। इस अवसर पर एनएलओ प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार एक तरफ तो नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, दूसरी तरफ 1932 से चल रहे बेटियों के स्कूल को बंद करके लड़कियों को दूसरे शहर शिक्षा वाले स्कूल में भेजना चाहती है। ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज एक गांव शाहपुर वाले इकट्ठे हुए हैं कि ये 1938 का स्कूल बना हुआ है, 1932 का, और लड़कियों के स्कूल है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री जी और ये हरियाणा सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और दूसरा है बेटियों का ही स्कूल है, बेटियों के स्कूल को दूसरे माध्यमिक स्कूल में चेंज करने की ऑफर चल रही है जिसमें लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे हैं। ये लड़कियों का अकेला स्कूल है जो 1932 से चल रहा है, और इसके साथ में गांव जो लगती हैं कोट कछुआ, मोड़ा, मछुंडा और घसीटपुरी, इन सारे गांव से लड़कियां यहीं पे आती हैं। आज भी इस स्कूल में 55 से अधिक लड़कियां हैं, जबकि सरकार का नियम जो है वो तकरीबन 20 लड़कियों का कहता है, 55 से अधिक लड़कियां हैं। टीचर भी कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 टीचर हैं। तो इसको बंद करने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई? एक तरफ तो सरकार महिलाओं के लिए अलग से थाने खोलने की बात करती है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के ही थाने होने चाहिए ताकि अपनी समस्या को अच्छे तरीके से बता सकें। दूसरी तरफ एक स्कूल जो 1932 से बना हुआ है वो स्कूल आज बंद करने की कौन सी नौबत आ गई? ये सरकार से हम अपील करना चाहते हैं। गांव वाले सारे इकट्ठे हैं, ये कहते हैं कि स्कूल यहाँ पर रुकना चाहिए, और जनता जनार्दन की ही सरकार है। जब जनता चाहती है स्कूल यहाँ पे रहना चाहिए तो स्कूल यहाँ पे रहना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान दे के हमारी अपील है सरकार से कि इस स्कूल को शिफ्ट ना किया जाए, इस स्कूल को अपग्रेड करके ये माध्यमिक है कि सीनियर सेकेंडरी किया जाए ताकि लड़कियाँ और इसमें आए, ताकि लड़कियों को और यहाँ पर प्रोत्साहन मिले। हमारी यही अपील है कि स्कूल को बंद ना करके अपग्रेड किया जाए। धन्यवाद।